मैं एक बहुत ही रेपुटेटेड कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, सुबह निकलता था, शाम को आता था, बहुत सारे बैचेस लेता था। अचानक से YouTube का किसी को, उस टाइम पे जब मैंने YouTube चालू किया था, एजुकेशन के लिए कोई इतना फेमस नहीं था, तब एंटरटेनमेंट के लिए YouTube को देखा करते थे लोग, ज्यादातर गाने सुनने के लिए, समझ रहे हो, एंटरटेनिंग, सनी लियोनी को देखने के लिए, सनी देओल को देखने के लिए, हाँ, ऐसे करके लोग आते थे YouTube पे। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार जब इसके लिए आते हैं, पता नहीं शायद कुछ पढ़ने के लिए भी आते होंगे, तो तब इतना कुछ क्रेज नहीं था, थोड़ा बहुत क्रेज था लेकिन इतना नहीं था। हर एक दिन को प्लान किया कि मैं एक दिन में दो लेक्चर डालूंगा, सैटरडे संडे को मैं मोटिवेशन सेशन दूंगा, बच्चों से बात करूंगा, कुछ मोटिवेशन वीडियो अपलोड करूंगा। शुरू में बिलीव नहीं करोगे कि मेरे सेशन को देखने के लिए मुश्किल से 20 बच्चे भी नहीं होते थे, मतलब लाइव तो तब चलता ही नहीं था, जो अपलोड करते थे तो मुश्किल से 100 व्यू आते थे, 100 व्यू में भाई साहब 40 व्यू तो हमारे होते थे, क्लिक करते थे, देख ले कोई तो देख ले, ये हालत होती थी। जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किए थे, मतलब 100 व्यू आ गए, ऐसा लगता है ओ माय गॉड 100 बच्चों ने देख लिया, फिर बाद में खुश होते थे 20 बच्चे तो हम खुद ही हैं, 20 बार तो मैं खुद ही क्लिक करके देख लेता था। सो तब मैंने जर्नी शुरू की थी और अपने आप को हर दिन बोलता रहता था, आ इधर पीठ थपथपा के देख, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको इस साला कुछ भी हो जाए अपन तो वीडियो डालेगा, हर एक दिन में दो, देखे नहीं देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ही पढ़ाता था, तो वो मुझे कहता था एक दिन की भाई एक बात बताया, कोचिंग सेंटर का खुद का यूट्यूब का चैनल है, बच्चे उस पर देखने नहीं आते, इतने सारे टीचर पढ़ाते हैं, तू पढ़ाएगा तो क्या आएगा, सोच तो सही क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, इतना बढ़िया पैकेज छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा देख भाई ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये तो 100 में से 50 बच्चे भी देख रहे हैं, 50 तो मैं खुद ही देख रहा था, 50 बच्चे भी देख रहे हैं, 50 तो देख रहे हैं, उन 50 की जिंदगी तो बदल रही है, वो 50 तो सोच सकते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाई भी होती है, सिर्फ सनी लियोनी को देखने, सनी देओल को देखने नहीं आते, लोग पढ़ाते भी हैं और पढ़ने भी आते हैं। सो मैंने सोचा ये 50 बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, और तब मैंने अपना जॉब छोड़ा था, और आज रेवोल्यूशन है ये मेरा चैनल, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का नंबर 1 चैनल है, और आई थिंक पूरे एजुकेशन चैनल में 2nd नंबर का लार्जेस्ट चैनल है। सब चीजें मिलती हैं यहाँ पर, सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, मैं सिर्फ एक ही बात अपने दिमाग में लेके चलता हूँ, वो क्या है, इतिहास रटने नहीं आया हूँ, मैं इतिहास रचने आया हूँ।